साजिद, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आपसे ये सवाल है कि आज सिनेमा ओनर्स एंड एग्जीबिटर एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई, वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो चार स्टेट्स में जिनका प्रेजेंस है एसोसिएशन का, वहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ ना की जाए, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इससे जाहिर है कि अगर ऐसा वो फैसला मानते हैं तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, करण जौहर को नुकसान होगा, अगर इन चार राज्यों में कुछ थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ नहीं होती। तो आपका टेक क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मुकेश भट्ट ने इसका विरोध किया है और गिल्ड की तरफ से करण जौहर को सपोर्ट किया है, मैंने उनसे बात की आज। इस सवाल के तीन पार्ट है। एक पार्ट है कि जो आज हम हिंदुस्तान गुजर रहा है, जिस चीज़ से वी हैव टू से दैट वी ऑल आर बिहाइंड आर नेशन, बिहाइंड आर्मी, ये हो गया एक जवाब। सेकंड जवाब है, आवर एसोसिएशन जितनी भी है सारों ने डिसाइड किया है कि एट प्रेजेंट वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विद देम। थर्ड सवाल है, इट्स अनफॉर्चुनेट विद करण दैट दिस फिल्म वॉज स्टार्टेड 2 years back, जब माहौल कुछ और था। सो वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल द पार्टीज, ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज, कि ही इज़ एन इंडियन शुड नॉट सफ़र फ्रॉम अम हैंड ऑफ एन अनदर इंडियन। तो मैं चाहता हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम बहुत हम्बली हर जगह जाएंगे, फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूजडे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे वन बाय वन कि ही इज़ एन इंडियन सिटीजन, प्लीज़ हेल्प हिम। एंड आई थिंक सो, हमारी टीम सब सोच रही है कि ये विल बी सक्सेसफुल। जैकलिन, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? वरुण जैकलिन, आई टोटली अग्री विद व्हाट साजिद सर सेड एंड स्टैंड बाय हिम, और दैट्स इट।